हाय गाइस, हम आपके सामने क्लास 9th का यूपी बोर्ड का दूसरा चैप्टर काबुली वाला, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और इस चैप्टर को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक एक वर्ड्स को तोड़ते हुए और एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने एक एक शब्दों का अर्थ बताते हुए, मीनिंग बताते हुए आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर्स को कम से कम 1 से 2 हफ्ते कई पार्ट में इसको डिवाइड करने पड़ेंगे, और ये चैप्टर्स चूँकि 11th 12th में होना चाहिए, आपके सामने क्लास 9th में ही है। इसके पहले मार्को पोलो आपके बुक में था, ये आपका नया चैप्टर है, और इस चैप्टर्स को कम से कम 3 से 4 पार्ट में आपको डिवाइड करके आपको बताया जाएगा, और एक एक वर्ड्स को मीनिंग सहित एक एक वर्ड्स को तोड़ते हुए आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। यह कहानी है काबुली वाला रविन्द्रनाथ टैगोर की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है, और उनकी छोटी बच्ची के बारे में यह बहुत ही रोमांचक कहानी है, तो इसको हम पढ़ेंगे। छोटी सी बच्ची जो रहती है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, मिनी, एक काबुली वाला। इस चैप्टर का नाम क्यों पढ़ा? इस चैप्टर का नाम इसलिए पढ़ा, टाइटल इसलिए दिया गया कि काबुली वाला जो कि एक पेडलर रहता है, एक फेरी वाला रहता है, वो काबुल देश का निवासी रहता है, और काबुल देश से फारस में यानी कोलकाता की गलियों में, भारत में कोलकाता की गलियों में सूखे मेवे को बेचने के लिए, किशमिश बादाम को बेचने के लिए वह हर एक साल आता है, और उसकी भी एक छोटी बच्ची रहती है। उसके साथ एक घटना घट जाती है, और घटना घट जाने के कारण वह 8 साल तक कोलकाता में ही यानी भारत में ही जेल में बंद हो जाता है, और उसकी जो छोटी बच्ची रविन्द्रनाथ टैगोर जी की छोटी बच्ची रहती है, उसका उससे इतना अधिक लगाव रहता है, जुड़ जाता है, कि वह उसे भूलता नहीं है। जब भी आता है तो वह उसे मिलता है। यही इस चैप्टर्स की कहानी है। उसके बीच में वार्तालाप होती है, मिनी जब बड़ी होती है तो जेल से छूट के आता है, उसे मिलता है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसको, काबुली वाला रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी। माई 5 ईयर्स, मेरे पाँच साल ओल्ड डॉटर, छोटी सी बच्ची मिनी, कैन नॉट लाइव, नहीं रह सकती विदाउट के बिना चैटरिंग, मिस बिना बातें किए हुए, यानी बातों के बिना। चैटरिंग का मतलब होता है गपशप करना या बातें करना। तो मेरी 5 साल की छोटी सी बच्ची मिनी बिना बातें किए हुए नहीं रह सकती है, यानी बहुत बातूनी रहती है, हमेशा बक 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 कुछ ना कुछ बोलती रहती है, वो तंग करके रख देती है घर में। ऐसा अगर वो नहीं होगी एक दिन, जैसे कोई भी स्टूडेंट्स या क्लास में जो अधिक लोगों से मिलता जुलता रहता है, बातें करता रहता है, उसके ना हो अगर ना होने पर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, उसी तरह से वो छोटी बच्ची है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। वो उसके बारे में बताते हैं, माई 5 ईयर्स ओल्ड डॉटर मिनी कैन नॉट लाइव विदाउट चैटरिंग, मेरी 5 साल की छोटी बच्ची मिनी बिना गपशप किए हुए, बिना बातें किए हुए नहीं रह सकती हैं। आई रियली बिलीव, मुझे वास्तव में विश्वास होता है, दैट इन ऑल हर लाइफ, कि उसने अपने पूरे जीवन में सी हैज़ नॉट वेस्टेड, वह खर्च नहीं की है। वेस्टेड का मतलब यहाँ पे हम कहेंगे खर्च करना या व्यतीत करना। अ मिनट, एक भी मिनट, इन साइलेंस का मतलब चुप्पी में, यानी एक भी मिनट वह चुप रह करके अपने पूरे जीवन में खर्च नहीं किया, पूरे जीवन में व्यतीत नहीं किया, बिना चुप किए हुए नहीं रही है, ऐसा वास्तव में मुझे विश्वास होता है। हर मदर इज ऑफन वेक्स एट दिस, उसकी माँ भी इन चीज़ों को लेकर प्रायः परेशान रहती है। वेक्स्ड यहाँ पे ट्रबल्ड से है, वेक्स की मतलब परेशान, ट्रबल में से होता है परेशान। तो हर मदर इज ऑफन वेक्स्ड एट दिस, उसकी माँ भी इन चीज़ों को लेकर प्रायः परेशान रहा करती है उसको लेकर। एंड वुड स्टॉप हर प्रैटल, और उसके अर्थहीन, प्रैटल का मतलब होता है अर्थहीन बात, निरर्थक बात, यानी हमेशा बकबक कोई बिना अर्थ के भी कोई ना कोई बात हमेशा बोलती रहती है, तो उसके निरर्थक बातों को उसकी माँ जो है रोकने का प्रयास करती हैं। बट आई वुड नॉट, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आई वुड नॉट, लेकिन मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। टू सी मिनी क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत, और सी मिस देखना भी कहते हैं, मिलना भी कहते हैं, सी का मतलब समझना भी होता है, अलग अलग अर्थों में जहाँ मीनिंग निकलता है वैसे आपको बताएंगे। तो टू सी मिनी क्वाइट इज अननेचुरल, मिनी को शांत देखना, अननेचुरल का मतलब अस्वाभाविक सी बात है, यानी मिनी कभी भी अगर आपको बिना बातें किए मिल जाएगी तो समझिए कि वो स्वाभाविक
है। अब यहाँ पे कहा गया है कि टू सी मिनी क्वाइट इज अननेचुरल, मीन्स मिनी को साथ देखना अस्वाभाविक सी बात है। एंड आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग, बियर का मतलब होता है सहन करना, और मैं इसे सहन नहीं कर सकता काफ़ी देर तक, यानी जितनी बकबक बोलती रहती है अगर काफ़ी देर तक अगर मेरे पास बैठ जाए तो मैं इसको सह नहीं सकता। एंड आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग, और मैं इसे सहन नहीं कर सकता काफ़ी समय तक, काफ़ी देर तक। सो माई ओन टॉक इज अतः जहाँ तक मेरी बात है विद हर इज ऑलवेज लाइवली, कि उसका होना यानी उसका जो बातें करना होता है वो हमेशा जीवंत बताता है। लाइवली का मतलब होता है सजीवता, यानी सजीवता को प्रकट करता है, यानी ऐसा होता है कि वह अपने होने का कभी भी अगर किसी के सामने रहती है तो अपने होने का वह आभास करा देती है। तो सो माई ओन टॉक विद हर इज़ ऑलवेज लाइवली, जहाँ तक मेरी बात है अतः वह अपनी बातों में सजीवता प्रकट करती है या अपने आप को का होना दर्शाती है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, तो एक सुबह उदाहरण के रूप में, इंस्टेंस का मतलब होता है कहीं कहीं क्षण भी यूज़ करते हैं, कहीं कहीं उदाहरण भी यूज़ करते हैं, इंस्टेंसेज आ गया तो उदाहरण हो जाएगा, तो उदाहरण के रूप में या फिर किसी क्षण के लिए। एक सुबह व्हेन आई वाज इन द मिड्स्ट, जब मैं बीच में था, मिड्स्ट का मतलब यहाँ पे बीच में, ऑफ द 17th चैप्टर, मीन्स 17वें अध्याय के, तो जब ऑफ माई न्यू नॉवेल, अपने नए उपन्यास के, तो मैं जब अपने नए उपन्यास के 17वें अध्याय के बीच में था, यानी वह अपना नया उपन्यास कोई लिए हुए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी और उसको पढ़ रहे थे, तो उसमें यहाँ पे यही कहा गया है कि जब मैं अपने नए उपन्यास के 17वें अध्याय के बीच में था, माई लिटिल मिनी, मेरी छोटी सी मिनी, स्टोल इन टू द रूम, कमरे में चुपके से आई, एंड पुटिंग हर हैंड, और अपना हाथ बीच में डाल दी, मेरे हाथों में डाल दी, इन टू माइंड, कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि पुटिंग हर हैंड इन टू माइंड, यानी अपना हाथ मेरे हाथों में रख दी, और पुटिंग हैंड इन टू एक idioms है जिसका मतलब होता है बीच में बात डालना, बीच में अपनी बात प्रकट करना, तो एंड पुटिंग हर हैंड इन टू माइंड, और बीच में ही अपनी बातों को रख दी, छेड़ दी, सेड, कही, फादर, पिताजी, रामदयाल, पिताजी रामदयाल, द डोर कीपर, जो दरबान है, calls a crow, एक क्रो को क्राव कहता है, क्राव पुकारता है, ही डज नॉट नो एनीथिंग डज ही, वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता है ना, यानी वह छोटी सी बच्ची जो होती है, एक सुबह उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो जब मैं 17वां अध्याय अपने नए उपन्यास का पढ़ रहा होता हूँ तो वह बीच में चुपके से मेरे कमरे में आ जाती है और अपनी बातों को बीच में ही प्रकट करती है, कहती है, पिताजी रामदयाल जो दरबान है वो एक क्रो को क्राओ कहता है, वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता है ना। बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर, इससे पहले कि मैं उसे समझाता द डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं की विभिन्नता के बारे में, इससे पहले कि मैं उसे भाषाओं की विभिन्नता के बारे में समझाता इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, यानी इससे पहले कि इस संसार में उसे भाषाओं की विभिन्नता के बारे में समझा पाता, सी वॉज इम्बार्क्ड ऑन, इम्बार्क्ड ऑन का मतलब होता है टिप्पणी करना, द फुल टाइड ऑफ मीन्स पूरे उत्साह से, अनदर सब्जेक्ट मीन्स अन्य विषय पर, वह पूरे उत्साह से अन्य विषय पर टिप्पणी कर दी या बीच में चली गई, अन्य विषय पर चली गई। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं पिताजी, फादर मीन्स पिताजी, आप क्या सोचते हैं पिताजी, भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट, एक हाथी है, इन द क्लाउड्स, बादलों में, बादलों में एक हाथी है, ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक, जो अपने सूंड से पानी फेंक रहा है, यानी बादलों में एक हाथी है जो अपने सूंड से पानी फेंकता है, एंड दैट इज वाई, और यही कारण है कि ट्रांस की बारिश होती है। तो वह अपने, जैसे ही वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी सोचते हैं कि मैं इस संसार की भाषाओं की विभिन्नता के बारे में मैं उसे समझाऊं, तब तक वह पूरे उत्साह से किसी दूसरे विषय पर चली जाती है, किसी दूसरे विषय पर टिप्पणी कर बैठती है और बोलती है कि पिताजी आप क्या सोचते हैं, भोला कह रहा है कि बादलों में एक हाथी है और अपने सूंड से पानी फेंक रहा है, यही कारण है कि बारिश हो रही है। एंड देन, और तब, डार्टिंग ऑफ का मतलब होता है नज़रें दौड़ाना, और न्यू का मतलब होता है नए सिरे से, और तब मैं नए सिरे से नज़रें दौड़ाता हूँ, वाइल, जबकि आई सेट स्टिल मेकिंग रेडी,
मैं तैयार होकर के बैठता हूँ सम रिप्लाई टू दिस लास्ट सेइंग, उसके अंतिम कहे हुए शब्दों का कुछ उत्तर देने के लिए। तो उसके अंतिम कहे हुए शब्दों का कुछ उत्तर देने के लिए जैसे ही मैं तैयार होकर के बैठता हूँ, नए सिरे से नज़रें दौड़ाता हूँ, तभी फादर व्हाट रिलेशन इज़ मदर टू यू, तभी वह कह बैठती है पिताजी आपकी माँ से क्या संबंध है। तो माई डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि मेरी प्यारी बच्ची सिस्टर इन लॉ मीन्स साली, आई मर्मर्ड मैं बुदबुदाया, इनवॉलंटरली का मतलब होता है विद्रोहपूर्ण तरीके से या गुस्सा होकर के, यानी जब भी उसके उसके प्रश्नों का मैं आंसर देने जाता हूँ तो वह बीच में एक ना एक बात बोलती जाती है, छेड़ देती है। तो वो भी कहते हैं कि आई मर्मर्ड इनवॉलंटरली टू माई सेल्फ, तो मैंने स्वयं से यानी बुदबुदाते हुए विद्रोहपूर्ण तरीके से कहा मेरी प्यारी बच्ची साली, बट विद अ ग्रेव फेस, लेकिन एक गंभीर चेहरे के साथ कॉन्ट्राइव्ड नया उपाय निकालता हूँ टू आंसर उत्तर देने का, और मैं गंभीर चेहरे के साथ उत्तर देने का एक नया उपाय निकालता हूँ, गो एंड प्ले, जाओ और खेलो विद भोला, भोला के साथ जाओ और भोला के साथ खेलो, मिनी आई एम बिजी, मिनी मैं व्यस्त हूँ, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी छोटी सी बच्ची मिनी को बोल देते हैं। द विंडो ऑफ माई रूम ओवर लुक्स द रोड, फिर देखिए द विंडो ऑफ माई रूम, मेरी कमरे की खिड़की से ओवर लुक्स सड़क दिखाई पड़ती है, द रोड ओवर लुक्स द रोड यानी दिखाई पड़ती है, सड़क साफ दिखाई पड़ती है, यानी मेरे कमरे की खिड़की से सड़क जो है साफ दिखाई देती है। द चाइल्ड हैड सीटेड, वह बच्ची जो है सीटेड बैठ गई, बैठ चुकी थी हरसेल्फ स्वयं एट माई फीट, मेरे पैरों पर, नियर माई टेबल यानी मेरे मेज के पास आकर के, तो वह बच्ची जो है मेरे मेज के पास मेरे टेबल के पास आकर के मेरे पैरों पे चुपचाप बैठ जाती है, एंड वाज प्लेइंग सॉफ्टली, और चुपके से और धीरे से वह खेलने लगती हैं, ड्रमिंग ऑन हर नीज, अपने घुटनों को बजाती हैं। आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑन माई 17th चैप्टर, मैं मुश्किल से अपने 17वें अध्याय पे काम कर रहा था, यानी मैं मुश्किल से 17वां अध्याय अपना पढ़ ही रहा था, जहाँ पे वेयर प्रताप सिंह, जहाँ प्रताप सिंह द हीरो जो उस उपन्यास को पढ़ते हैं तो उस उपन्यास में प्रताप सिंह नायक रहते हैं, हैड जस्ट काट कंचनलता, कंचनलता को पकड़े हुए था द हीरोइन जो उस नाटक में उस उपन्यास में वह अभिनेत्री रहती है कंचनलता, और नायक रहते हैं प्रताप सिंह, इन हीज आर्म्स अपने बाहों में, तो जहाँ पे प्रताप सिंह नायक नायिका कंचनलता को अपनी बाहों में पकड़े रहते हैं, एंड वाज अबाउट टू एस्केप विद हर, और उसके साथ भागने का प्रयास करते हैं, बाई द थर्ड स्टोरी विंडो ऑफ द कासल, यानी कासल का मतलब है हवेली और विंडो में खिड़की, तो हवेली के तीसरे मंजिले की खिड़की से, और हवेली के तीसरे मंजिले की खिड़की से बच निकलने का करते हैं। When, तभी all of a sudden, तभी अचानक मिनी लेफ्ट हर प्ले, अचानक मिनी अपना खेल छोड़ देती है, एंड रैन टू द विंडो, और खिड़की की तरफ भागती है क्राइंग चिल्लाते हुए, और चिल्लाते हुए खिड़की की तरफ भागती है, ए काबुली वाला दो बार चिल्लाती है, श्योर एनफ इन द स्ट्रीट, निश्चित रूप से ही उस गली में बिलो वाज अ काबुली वाला, नीचे एक काबुली वाला था, जो गली था जो खिड़की के पास जाती है अपना खेल छोड़ के चिल्लाती है एक काबुली वाला, तो उस गली में काबुली वाला था नीचे, पासिंग स्लोली अलोंग, जो धीरे धीरे टहलते हुए जा रहा था। ही वोर, वह पहने हुए था, वियर का सेकंड फॉर्म है वोर, वह पहने हुए था, द लूज का मतलब होता है ढीला ढाला, सॉइल्ड का मतलब मैला, क्लोथिंग का मतलब कपड़ा, यानी वह ढीला ढाला मैला कपड़ा पहने हुए था, और ऑफ हिज पीपल का मतलब अपने लोगों की तरह, यानी जहाँ से वो काबुल से आया है तो काबुल के लोग पठानी लोग होते हैं, और पठान लोग ढीला ढाला कपड़ा जो है पजामा कुर्ता पहनते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे वहीं बताया गया है कि वह जो है अपने लोगों की तरह यानी पठानी लोगों की तरह ढीला ढाला मैला कपड़ा पहने हुए था, विद अ टार टर्बन, एक लंबी पगड़ी बांधे हुए था, देयर वाज अ बैग ऑन हिज बैग, यहाँ पे बैग का मतलब पीठ से है, तो देयर वाज अ बैग ऑन हिज बैग, और उसके पीठ पर एक झोला था, एंड ही कैरिड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स, और वह
अंगूर का बक्सा लिए हुए था, अंगूर का बक्सा था इन हीज हैंड, उसके हाथों में, और वो अपने हाथों में अंगूर का बक्सा लिए हुए था। तो थैंक यू गाइज, फर्स्ट पार्ट हमने शेयर कर दिया, सेकेंड पार्ट अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे आपको।